फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आज हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं अपना विंड वाइज का जो नेता मेंटेनर, बात कर रहे हैं कुछ ट्रबल के और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि आपका मान के चलिए कि आपका जो घर में एसी होता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी, उसमें जब आप उसको 4 साल या 5 साल यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम आपके मार्केट पे जो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट का कंपनी आता है उसमें जो आपका वारंटी पीरियड रहता है, उसमें वारंटी पीरियड मैक्सिमम कंप्रेसर के ऊपर 10 ईयर्स रहता है। और जो पीसीबी से लेकर आपकी जो मेंटेनेंस होता है मैक्सिमम 5 ईयर्स के आसपास रहता है। मान के चलिए आपने एक विंडो एसी इंस्टॉल किया हुआ है घर में, तो उसको 3-4 साल हो गया है। उसमें क्या होता है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, जब आप उसको इंस्टॉल करवाने के बाद 3-4 साल हो जाता है, उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, उसका जो कंप्रेसर होता है उसमें ट्रबल आना शुरू करता है। जैसे कि बात करो अगर हाई करंट ड्रॉ करने का, मान के चलिए एक आपका जो विंडो एसी होता है 2 टन का, वो मैक्सिमम आपका ड्रॉ करता है नॉर्मल कंडीशन पे 5 एम्पियर से लेकर 7 एम्पियर के बीच में लेता है। पर जब आप उसको यूज कर लेते हैं कुछ साल, 2 साल या 3 साल यूज करते हैं, अगर एसी का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसका जो कंडेंसर है और इवेपोरेटर है वो दोनों जाम हो जाता है आपकी ड्यू टू डिफरेंट कॉज हो सकता है। जैसे कि चाहे वो क्लीन ना होने की वजह से, क्लीन की मतलब क्या है मैं बताता हूं, आपका कंडेंसर और इवेपोरेटर में क्या होता है, घर के अंदर से धूल जमना शुरू होता है, जो आपका मॉइस्चराइजर होता है, जो आपकी डस्ट पार्टिकल होता है, फाइन डस्ट पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्टर तो ऑब्वियसली लगा होगा पर उसके बाद भी फिल्टर क्या करता है, फाइन डस्ट पार्टिकल को नहीं रख पाता है। इसमें जो आपका फिल्टर आता है वो आता है आपका 150 माइक्रोन से लेकर 300 माइक्रोन के बीच में आता है जो फिल्टर लगा होता है। पर उसी के बाद भी क्या होता है, आपका एसी मेंटेनेंस अगर प्रॉपरली ना हो, अगर आप उसको 1 साल में या 8 महीने में या 6 महीने में अगर आप उसको क्लीन नहीं करवाते कंडेंसर और आपके इवेपोरेटर को, ज्यादातर केस में क्या होता है, इवेपोरेटर पे ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है जो इंसेक्ट के अंदर, और कंडेंसर की बात करूं ओके नॉट इशू, पर फिर भी दोनों का तो मेंटेनेंस होना ही जरूरी है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कंप्रेसर की जो कूलिंग टाइम पे है तो उसमें क्या होता है, कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका कंप्रेसर के ऊपर कूलिंग करने का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो कंप्रेसर क्या करता है उस टाइम पे ज्यादातर बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। ऑब्वियसली अगर कंप्रेसर कूलिंग करने के लिए ज्यादा कंप्रेसर स्पीड से चलेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। एक कॉज है, ये था एक ही पहला हमारा जो रीजन। दूसरी बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर जब आपका डिफरेंट पुराने हो जाने पे भी क्या होता है, अगर उसका जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी बन जाता है। ज्यादा कंप्रेसर के ऊपर जब प्रेशर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका ऑयल भी स्टिकी बन जाता है। स्टिकी मतलब उसका जो वेस्कोसिटी है वो थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो वेस्कोसिटी अगर ज्यादा हो जाता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसके जो लुब्रिकेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। तो बात करते हैं ये कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, एक विंडो एसी को आप कैसे पूरा का पूरा प्रोफेशनली, मैं इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन इन्वर्टर मॉडल पे बात करता हूँ, जो आपका विंडो एसी होता है
उसको आप प्रॉपरली कैसे मेंटेनेंस कर सकते हो घर में प्रोफेशनल तरीके से, अगर थोड़ा बहुत आपका अगर नॉलेज है तो। यहाँ पे हम लोगों ने ईच स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप उसको देखिए। आई होप कि ये आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। अगर आपके घर में भी कोई आता है जो मेंटेनेंस इंजीनियर, अगर कुछ वो गलत भी करता है तो आप अगर इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस वीडियो से देख के तो आप उसको बता सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया भी रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पार्ट्स भी होता है। ये रहा एक एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव। दूसरी बात क्या है, जब आपका एसी क्या होता है उसके अंदर जो प्लास्टिक बॉडी रहता है ऊपर जो कवर रहता है, कुछ साल यूज होने के बाद वो वेलोइस बन जाता है। वेलो थोड़ा सा बहुत बंद भद्दा दिखता है आपके घर में, इतना स्टाइलिश घर में अगर वो विंडो का कवर अगर पुराना दिखेगा तो ऑब्वियसली वो तो ये, तो वहां पे भी आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वेलो इसको कैसे दूर कर सकते हैं मैं बताऊंगा भी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आपकी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे यूटिलाइज करके कुछ इंग्रेडिएंट जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इस तरह का जो हार्डनेस होता है इसको रिमूव करने के लिए यही थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, तो उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंडस्ट्रियल केमिकल तो जनरल मार्केट पे मिलता नहीं है, मिलता भी है नॉट इश्यू, ऐसा नहीं कि पैसा देने में कुछ मिलेगा नहीं, मिलता है। बट होम रेमेड में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पूरा वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। वहां पे पूरा का पूरा टेक्निकल का पूरा सारा चीज दिया गया है कि किस लिए हुआ है, किस तरह का हुआ है, तो आप पूरा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। अगर इस तरह का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। और इस तरह का जो बेहतर वीडियो है मैं थोड़ा सा लाता रहता हूँ कभी कभी, तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। तो ये रहा आपका पहला वीडियो, चलिए शुरू करते हैं, सो बने रहिए हमारे साथ। अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन और शेयर इट विद फैमिली। ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके सो लेट्स वॉचिंग।